चाणक्य समसामयिकी विशेष में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का विषय है चेनाब आर्क ब्रिज, जो कि जम्मू कश्मीर से संबंधित है। ये हाल ही में काफ़ी चर्चा में है, ये बनकर तैयार हो गया है, यानी कि चेनाब पुल का जो आर्क है वो बनकर तैयार हो गया है और इस वजह से चर्चा में है। आज हम देखेंगे कि इसकी विशेषताएं क्या है, इसे बनाने में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, किस परियोजना का हिस्सा है ये, और चेनाब नदी के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं, ये विषय चर्चा में क्यों है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि भारतीय रेलवे ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का आर्क कंप्लीट कर लिया है, जो कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है, इसी वजह से ये चर्चा में है। नेक्स्ट स्लाइड में अब हम देखेंगे कि इसकी विशेषताएं क्या है, यानी कि चेनाब आर्क क्लोजर की विशेषताएं क्या है। इस पुल का आर्क क्लोजर इसका सबसे कठिन हिस्सा था और पुल के दोनों छोर को आपस में जोड़ने के लिए चेनाब दरिया के ऊपर 560 मीटर लंबी स्टील फैब्रिकेशन से इस अर्धचंद्राकार आर्च को बनाया गया है। चेनाब आर्च ब्रिज 266 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आने वाली हवा का सामना भी कर सकता है और भारत में जो भूकंप की उच्चतम तीव्रता है जोन 5, उसका भी ये सामना कर सकता है। इस तरीके से इसको बनाया गया है। इसके साथ ही आर्क में स्टील के बक्से होते हैं, इन स्टील के बक्सों को कंक्रीट से भरा जाता है, इनका वजन काफी होता है और इन स्टील के बक्सों की खासियत ये है कि 40 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान सहन कर सकते हैं। इस आर्क का कुल वजन 10,619 मीट्रिक टन है और इसमें टेक्ला नामक सॉफ्टवेयर का उपयोग किया गया है इस पूरी परियोजना के अंतर्गत। इसके साथ ही इस आर्क ब्रिज की जो और विशेषताएं हैं, उसमें है उनका आधार, जिन खंभों पर ये खड़ा हुआ है वो 131 मीटर ऊंचा है, जो कुतुब मीनार की ऊंचाई से भी ज्यादा है। आर्क क्लोजर चेनाब पर पुल के सबसे कठिन हिस्सों में से एक था और ये कटरा से बनियाल की दूरी 111 किलोमीटर तक की दूरी को ये कम करने का काम करता है। इसके साथ ही ये जो है आर्क ब्रिज पूरे देश के साथ कश्मीर को जोड़ने का भी काम करता है और इस आइकॉनिक रेलवे आर्क ब्रिज की लंबाई 1315 मीटर है, वहीं नदी पर इसकी ऊंचाई जो है 359 मीटर है, यानी कि नदी से इसकी ऊंचाई 359 मीटर तक है और इस पुल की पूरी लंबाई जो है वो 1315 मीटर तक की है। ब्रिज के जो पिलर है जिन पर ये खड़ा हुआ है, यानी कि ये पिलर जिस पे ये खड़ा हुआ है, उसकी ऊंचाई 131 मीटर है। ब्रिज में 17 स्पैन और मुख्य आर्क स्पैन 667 मीटर के हैं और इसकी चौड़ाई 13 मीटर है। ये इसकी जो है आंकड़े हैं जिन पे ये टिका हुआ है। अब हम देख लेते हैं चेनाब आर्क ब्रिज के बारे में और विस्तार से। यह पुल दुनिया में सबसे ऊंचा रेलवे आर्क पुल है। अभी हमने जो बात की थी वो आर्क क्लोजर की बात की थी, जो इसका अर्धचंद्राकार भाग कंप्लीट हुआ है। अब हम कंप्लीट पुल की बात कर रहे हैं। ये पुल दुनिया का सबसे ऊंचा पुल होगा, जो कि एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा होगा। चेनाब ब्रिज ऑनलाइन मॉनिटरिंग एंड वार्निंग सिस्टम से लैस होगा। इसके साथ इसकी और विशेषता ये होगी कि इसमें रोप वे लिफ्ट की सुविधा भी होगी, जिससे इसको काफी सुविधाजनक बनाया गया है। साथ में ही इसके अंदर ये जो ब्रिज है जम्मू कश्मीर के कौरी इलाके में है और इसको जो बनाने का काम है वो कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा किया गया है। यह पुल देश में पहली बार एक ऐसा पुल है जिसमें DRDO ने भी अपना परामर्श दिया है और ब्लास्ट लोड के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है, यानी कि किसी भी तरह का ब्लास्ट अगर इस पुल पे हो जाता है तो उसका असर भी इस पे नहीं पड़ेगा या नाम मात्र का होगा। ये जो पुल की परियोजना है ये 2002 में बन गई थी, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे और यह एक राष्ट्रीय परियोजना उस समय इसको घोषित किया गया था। नेक्स्ट स्लाइड में हम देख लेते हैं कि इस पुल को बनाने में चुनौतियां क्या थी या चुनौती इसको क्यों चुनौतीपूर्ण कहा जा रहा है। पहली चुनौती तो यही थी कि कोरोना वायरस के टाइम में भी इसको आर्क को कंप्लीट कर लिया गया। इसके साथ ही दूसरी चुनौती कि जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं उसमें भी समय पर कटरा से बनियाल तक की दूरी को कम करने के लिए जो ये आर्क का
टाइम पीरियड डिसाइड किया गया था उसी में इसको बना लिया गया। इससे 111 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी और पूरे विश्व के इतिहास में भारत में किसी रेल परियोजना के सामने आने वाली सबसे बड़ी सिविल इंजीनियरिंग की चुनौती इसे कहा जा रहा है। तो ये कुछ चुनौतियां थी जो इसमें सामने आई। अब हम बात कर लेते हैं कि जिस परियोजना के अंतर्गत ये पुल बन रहा है उसके बारे में। पहले भी मैं बता चुकी हूँ, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का हिस्सा है ये, और ये पूरा प्रोजेक्ट जो है 272 किलोमीटर का है। ये 272 किलोमीटर के इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर ये पुल एक हिस्सा है। और इसी से जो है, बार बार मैं दोहरा रही हूँ कि कटरा से बनियाल तक की दूरी कम हो जाएगी और इसे रेलवे ने 10 वर्षों में पूरा किया है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से कश्मीर कन्याकुमारी से जुड़ जाएगा और कश्मीर की जो दूरी है वो काफ़ी कम हो जाएगी। दूरी कम होने का मतलब फिजिकल दूरी का नहीं है, एक टाइम एक जगह स्थान विशेष पे आने के बाद कश्मीर में आगे जाने के लिए चीज़ें उपलब्ध नहीं थी या इजीली अवेलेबल नहीं थी, तो वो दूरी दूर हो जाएगी। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से कश्मीर को क्या लाभ होगा? बहुत सारे इसमें लाभ होंगे। सबसे पहले तो जैसे ये पुल बन के तैयार हो जाएगा, अगले 120 वर्षों तक ये काम कर पाएगा, इसमें किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा, सीमा तक सैनिकों को लाने और ले जाने की सुविधा मिलेगी, सैनिकों को सुविधाएं इससे मिलेंगी। दूसरा फायदा इससे ये होगा। इसके अलावा तीसरा जो इस पुल से फायदा होगा वो ये होगा कि कश्मीर की तस्वीर ही एक तरीके से बदल जाएगी, यानी कि कश्मीर को इससे आर्थिक लाभ होगा, कश्मीर में बिजनेस भी बढ़ेगा, पर्यटन भी बढ़ेगा, ये उससे कश्मीर को दूसरा लाभ होगा। जिस नदी पे ये पुल बनाया गया है उस नदी के बारे में जान लेते हैं। कुछ दिन पहले हमने सिंधु जल संधि पे एक वीडियो बनाया था, उसमें हमने इस नदी के बारे में बात की थी, क्योंकि ये आर्क ब्रिज इसी पे बना हुआ है तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। चेनाब नदी भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले में ऊपरी हिमालय में टांडी नामक स्थान है, वहाँ दो नदियाँ हैं, चंद्रा और भागा। जब ये दोनों नदियाँ आपस में मिलती हैं तो उसको चेनाब कहा जाता है। इसकी ऊपरी पहुँच में इसे चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है और ये सिंधु नदी की सहायक नदी है, और इसका पानी जो है सिंधु जल बंटवारे के आधार पर पाकिस्तान के हिस्से में आता है, इसका कुछ भाग भारत इस्तेमाल कर सकता है। यह जम्मू और कश्मीर के जम्मू क्षेत्र से होकर पंजाब होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है, और मैं बता ही चुकी हूँ कि इसका पानी सिंधु जल बंटवारे के आधार पर दोनों देशों में विभाजित है। मैक्सिमम पानी इसका पाकिस्तान इस्तेमाल करता है क्योंकि पश्चिमी नदी मानी जाती है। यह जम्मू और कश्मीर के जम्मू क्षेत्र से होकर पंजाब के मैदानी भाग में बहती है और उसके बाद ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक जो था उस पर हमने बात कर ली है। अब हम देखते हैं आज के प्रश्न को। आज का जो प्रश्न है वो ये है, चेनाब आर्क ब्रिज से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, यह उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का एक हिस्सा है। कथन दो, यह भारत में उच्चतम तीव्रता वाले Zone 3 के भूकंप बलों को सहन कर सकता है। उपरोक्त में से सत्य कथन है विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, विकल्प डी ना एक ना ही दो। कमेंट सेक्शन में आप सभी के जवाब का इंतजार रहेगा, आप अपने प्रश्न का उत्तर अवश्य दें। अब हम देखते हैं पिछले वीडियो में पूछे गए प्रश्न को। पिछले वीडियो में जो प्रश्न पूछा गया था उसमें आपसे पूछा गया था कि उपरोक्त में से सत्य कथन कौन सा है। सवाल था पहली मौद्रिक नीति समीक्षा से रिलेटेड था, तो इसके अंदर दोनों ही कथन सत्य हैं। ये जो दोनों कथन है सत्य है। इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर हम विराम देते हैं, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। हमारे इस वीडियो और अन्य वीडियो से संबंधित PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.